जो वोटर लिस्ट में बीजेपी जो घपला कर रही है, चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार डर के मारे बीजेपी के वोट बढ़ाने का और कांग्रेस माइंड के वोट, महाविकास आघाड़ी के वोट कम करने का काम जो शुरू किया है, उसके बारे में एक गहन चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जहाँ जहाँ इस तरह का वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, उन लोगों को पता भी नहीं कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, डुप्लीकेट साइन करके, डुप्लीकेट आधार कार्ड करके वोट कम किए गए, और इसलिए जहाँ जहाँ हमें ये आता है वहाँ पे हम FIR दर्ज करेंगे और इसमें पूरी इंक्वायरी हो, नहीं तो चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर एक गहन चर्चा हमारी हुई महाराष्ट्र में, जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आया है उसके बारे में भी चर्चा हुई कि महाविकास आघाड़ी की वहाँ पे गवर्नमेंट आएंगी और अच्छे वोटों से आएगी, और इस तरह से एक चर्चा इस वोटर लिस्ट के बारे में, क्योंकि बीजेपी डर के मारे जो पाप कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है, उसके बारे में एक चर्चा हुई मराठी मध्ये। महाराष्ट्र मध्ये ज्या पद्धतीनं बीजेपी आणि केंद्रातलं नरेंद्र मोदीचं सरकार निवडणूक आयोगाला हातीशी घेऊन वोटर लिस्ट मधले नावं कमी करते आहे, त्याबद्दलची एक गहन चर्चा या ठिकाणी झाली, आणि ज्या ज्या ठिकाणी या पद्धतीचं पाप, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम जे बीजेपीनं केलेलं आहे, त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याच्या बाबतचा एक निर्णय आम्ही केलेला आहे, त्याबद्दलची एक मोठी चर्चा झाली। जे काही रिपोर्ट्स आलेले आहेत त्या रिपोर्टच्या आधारावर महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये बहुमताचं सरकार आणेल अशा पद्धतीचा रिपोर्ट आहे, आणि ग्रास ग्राउंड पर पण ती स्थिती आहे, त्याबद्दलची चर्चा या ठिकाणी झालेली आहे। हमने आपको कहा है कि 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और कुछ सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है, और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा, और उसी दिन CAC का भी मीटिंग होगा, और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारे तरफ से बाला साहब थोराज जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।